गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड कीप वर्किंग। पिछले कई दिनों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ ही जो सम ऑफ स्टूडेंट आर डूइंग देयर वर्क वेल, बट some of you not doing your work properly and not also submit their work. So kindly I requested once again you that you have to complete your work properly on time and also send it into the group. Okay, now in this chapter we will discuss our chapter 3, playing with number. मैथ क्लास है ये हमारी, प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, तो इसमें हम पढ़ चुके थे आपका थ्री एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? एनी नंबर जिससे कोई भी नंबर क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, वो आपका जीरो आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं उस नंबर को। ओके, जिससे वो कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो कॉमन फैक्टर क्या है? ये हम निकालते हैं बिटवीन टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स। मिनिमम हमें दो नंबर्स चाहिए होते हैं और इससे ज्यादा भी नंबर्स का हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल लिया मैंने, ले लिया 12 और 18। 12 और 18 हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसका होगा 3, 4, 6, 12। ओके, 18 के क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो इसमें अब हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स में मीन्स हमने पहले क्या करना है, कोई भी जो भी नंबर गिवन है उनके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमने 12 और 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद, दोनों को फैक्टर फाइंड आउट किए, अब क्या करना है हमको इसमें, अब कॉमन देखना है दोनों में क्या है। तो 1, 2, 3, 6, तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 6 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। तो 18 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या है आपका? 1, 2, 3 एंड 6। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कॉमन मल्टीपल्स। We already discuss common multiples. Multiples, तो multiples क्या होता है? It is a tabular form or table. जिस number को हम उसकी table के form में लेके, तो that is its multiple. तो multiples means क्या? उसकी tables. Okay, repeated as decent. भी कह सकते हैं उसकी table को हम. Okay, now. तो अब जैसे मैं कोई भी दो number ले लूँ, उनके हम multiple निकाले हैं. मैंने ले लिया 2 and 3. तो हमसे कह सकता है कि आपके पहले फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालिए या पहले 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालिए। तो मैं लिखता हूं इसके 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपका 14, 16, 18 इसका 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो देखिए इसके कॉमन फैक्टर 6,
ट्वेल्व एटीन, तो हम लिख सकते हैं आपके सिक्स ट्वेल्व एंड एटीन आर कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू एंड थ्री, लाइक दैट वी शुड राइट, हमें इसी तरीके से निकला लिखना है. ओके, तो ये टू नंबर्स के लिए थे, हम थ्री नंबर्स के लिए भी एज इट इज करेंगे. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.4. एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम. देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, हमें दिया हुआ है, तो मैं एक आपके लिए करूंगा क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन. इसमें मैं डी आपके लिए कर रहा हूं, वो है 56 एंड 120. देखिए 56 के मैं आपको क्या निकालूं, पहले इसके फैक्टर निकालूंगा 56 के. तो 56 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, आपका 3 नहीं होगा, 4 होगा. ओके, 4, 7, 8, 14, 28, 56, ये इसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर्स हैं. अब बात करते हैं 1, 2, तो 1, 2, ओके, 3, 4, 6, आपका 8, 10, 12, 15, 120. ओके, तो ये क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं. अब इस सॉरी इसके फैक्टर्स हैं. अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है. देखिए 1, 2, 4, 8, ओके, तो ये क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर. अब इनको हम लिख देंगे, तो 1, 2, 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए देयर इज नो नीड टू राइट 1. ओके, 2, 4, 8 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120. तो क्या है, 56 और 120 के आपके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2, 4, 8. ओके, क्लियर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें हमें क्या दिया है, अभी तक हमने दो नंबर्स का निकाला था कॉमन फैक्टर, अब थ्री नंबर्स का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो थ्री नंबर्स हमें दिया हुआ है, एक मैं आपके लिए कर देता हूँ, मैं बी कर देता हूँ. मैं क्या है, बी हमें दिया हुआ है, कितना, 5, 15, 25. 5 का 1, 5, 15 का 1, 3, 5, 25 का 1, 5. ओके, इसके अलावा कोई नहीं होगा. अब इसमें हम देखेंगे क्या है, 5 कॉमन है. ओके, सॉरी 25, एक और यहां लिख दें, तो आपका हम लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25, लाइक दैट वी हैव टू राइट. तो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर्स, ओके, थ्री नंबर्स का. तो टू और थ्री नंबर्स के हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई बिग इशू नहीं है, इजीली है, हम इजीली कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स. पहले फर्स्ट आपके कॉमन मल्टीपल्स निकालने, तो मैं आपके लिए बी वाला करूंगा, 12 और 18, इनके हम टेबल लिखेंगे, 12, 24, 36, ओके, आपका 48, 60, 72, 84, 96, ओके. अब इसका
18, 36, 54, 72, 90, 108, ओके। तो ये हम देखेंगे इसमें क्या है कॉमन, पहले में 36, दूसरा 72, और इसके एक और जो नेक्स्ट इसका आएगा 18। तो इसके क्या हो जाएंगे फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स, तो हम लिख सकते हैं 36, 72 एंड 108 आर फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, लाइक दैट वी शुड राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर, ओके। नाउ ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये है, वो कह रहा है आपसे 4 वाला क्वेश्चन, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो आपको इनकी टेबल लिखनी है अप टू कहां तक, 100 से बिलो 100 तक 3 और 4 की, और बाकी के हम क्या करेंगे टेबल लिखेंगे इनकी, फिर इसमें जो भी कॉमन आएगा उसको हम नोट डाउन कर देंगे, ओके। ये आपके लिए है, आपको खुद करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है, नई चीज मिलेगी आपको सीखने की। देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, मैंने आपको भी पहले ही बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, आर नंबर्स ओनली हैविंग वन इज कॉमन फैक्टर, उसको कहते हैं ऐसा कोई भी नंबर्स जिनका ओनली जो कॉमन फैक्टर हो वो क्या है वन आए, उसको हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर, ओके। जैसे मैं ले सकता हूं 2 एंड 3, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आपको, 1 एंड 2, 1 एंड 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो 2 एंड 3 क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर, क्या कहलाएंगे आपके को प्राइम नंबर। नाउ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं करूंगा आपके लिए, तो मैं आपका जो क्वेश्चन इसका है ई वाला मैं करता हूं आपके लिए। तो ई में क्या है आपका 256 260 और 215, ओके। तो वन तो हो गई, इसका भी वन होगा, इसका 2, आपका 3, 4, ओके 8 से डिवाइड होगा नहीं, ये 6 से हो जाएगा डिवाइड, ओके। तो ये हैं आपके इसके कॉमन सम कॉमन फैक्टर्स, ओके। अब मैं इसका लिख सकता हूँ आपका 1 से होगा, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से होगा ओनली, ओके। तो ये क्या है इसमें और इसके कॉमन फैक्टर्स बनेंगे नहीं जो इसके कॉम, क्योंकि इसमें 5 आना नहीं है, ओके। तो ये आपका 216 215, ओके। नाउ तो इसमें ओनली 1 क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो 216 और 215 इज अ को प्राइम नंबर, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया, तो आपको 5th वाला क्वेश्चन करना है, ओके। नाउ 6th वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन 6 का सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या कह रहा है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच नंबर अदर्स विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपको कि कोई भी नंबर इन नंबर से डिविजिबल है,
तो कौन से नंबर से वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ऑलवेज, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, जैसे वो कह रहा है कोई नंबर और नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 60। क्या करना है आपको, सिंपल सा है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई 2 नंबर से या 3 नंबर से वो नंबर डिविजिबल है, तो कौन से नंबर से वो ऑलवेज डिविजिबल होगा, तो आपको क्या करना है, उन नंबर्स का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो वो हमें मिल जाएगा कि कौन से नंबर से वो डिविजिबल होंगे। ओके, होगा। देखिए अब आता क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर नंबर से, मान लीजिए मैंने ले लिया 12 वाला, अगर वो 12 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो वो नंबर किससे डिविजिबल भी होगा, 2, 3, 4, 6 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ओके, तो ये था इसका पूरा एनालाइज। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली है कि वो उसके फैक्टर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कुछ आपके आगे बढ़ते हैं इसमें, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Some more divisibility rules. पहला है अभी हमने पढ़ा था, पहला रूल ये है कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, पहला रूल्स मान लीजिए कोई नंबर 12 से डिविजिबल हो रहा था तो डेफिनेटली है कि वो उसके 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो आप पेज नंबर 59 पर देख सकते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मीन्स मान लीजिए मैं आपको बता दूं ऐसे, जैसे 60 है, 60 डिविजिबल है किससे, आपका 10 से, किससे डिविजिबल है 10 से, तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे उससे भी 60 डिविजिबल होगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 5, ये इसके फैक्टर है और 10, तो इससे तो वो हो गई, 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 0 आ रहा है, 5 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 0 आ रहा है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो पहला रूल हमें समझ में आ गया कि ये होता है, अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर। मीन्स अगर कोई नंबर एक किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो ये डेफिनेटली है कि वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल, ये कहता है कि कोई नंबर है, कोई दो प्राइम नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है, कोई नंबर है वो किसी भी 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली है कि वो उनसे भी डिविजिबल होगा, उनके प्रोडक्ट से, 2 क्रॉप। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि 12 है, 12 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है, किससे डिविजिबल हो रहा है 2 और 3 से, और 2 और 3 को प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों का ही कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब जो सेकंड रूल्स है वो ये है कि ये तो होगा ही डिविजिबल, 2 एंड 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 और 3 कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं 2 और 3 का कितना आया 6, तो इट मींस कि वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा।
देखिए 12 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्लियर है। तो ये था सेकंड रूल आपका। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है If two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that a number. देखिए means second और third rule ही समझा देता हूँ आपको कि कोई दो number है, एक particular number से divisible हो रहा है, तो definitely है कि उन दोनों number का sum उस number से divisible हुआ, ऐसे समझते हैं। देखिए मैंने ले लिया आपका मैंने ले लिया 16 और 20 ले लिया, ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, 4 से, किससे डिविजिबल है 4 से। अगर मैं इन दोनों का सम करूं 36, तो 36 ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ये था थर्ड रूल, मीन्स अगर कोई दो नंबर पर्टिकुलरली किसी नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो डेफिनेटली है कि उन दोनों का सम उस नंबर से डिविजिबल होगा। अब आपका जो फोर्थ रूल है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है, अभी हमने देखा था कि उन दोनों के सम से भी डिविजिबल हो रहा है। अब इसमें फोर्थ वाले रूल में अगर कोई दो नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 16 20 ले लिया, वो 4 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस करें हम 4 आए, तो ए भी 4 किससे डिविजिबल होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये है आपका फोर्थ रूल। ओके नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या है, इस तरीके से हमें करना है। ये चारों रूल्स आपको समझ में आ गया। पहले रूल्स में क्या था कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली है कि उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। दूसरे में ये था कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली है कि वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ओके अब देखिए थर्ड रूल ये कहता था कि कोई दो नंबर है किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो डेफिनेटली है कि उनका सम जो होगा वो उससे डिविजिबल होगा। फोर्थ रूल ये कहता है कोई दो नंबर है किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ओके अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या है, इस मेथड में हम क्या है, अभी हम जो फैक्टर्स निकालते थे वो किसकी हेल्प से निकालते थे, डिवीजन मेथड से। अब इसमें हम जो फैक्टर्स निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम यानी प्राइम नंबर से ही हम उसको डिविजल करेंगे। मान लीजिए मुझे निकालना है 16 के फैक्टर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको 16 को दैट लाइक दैट, अब देखेंगे पूरा ही लेंगे इसको, 2 से डिविजल हो रहा है, 2 8 16, फिर 2 से डिविजल हो रहा है, 2 2 4, फिर 2 से हो रहा है 2 2 1। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, हम लिख सकते हैं 1 2 4 8 16। तो 16 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 8 16, लाइक दैट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही आपको लिए। फैक्टर ट्री भी आप बना सकते हैं, जैसे एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, फैक्टर ट्री मुझे 20 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो पहले हम देखेंगे कि 20 के दो नंबर से डिविजल हो रहा है, 2 से और 10 से। अब 10 किससे डिविजल हो रहा है, 2 से और 5 से। अब ये दोनों तो प्राइम नंबर है, तो ये किसी से, तो ये क्या कहलाता है, इसका फैक्टर ट्री। ओके तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं, और आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज 3.5 को
आपको 3.4 तो करनी ही है, आपको 3 और 3.5 के भी आपको कोशिश करनी है उसको करने का, ओके। और मुझे डेली के डेली आपका वर्क चाहिए सभी का, वो भी गुड हैंडराइटिंग में, और आपको कॉपी नहीं करना एक दूसरे का, ओके। आप अपना होमवर्क अपने तरीके से करिए, अपने मेथड्स का यूज करिए, अपने स्किल्स का यूज करिए, क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।